फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे बड़ी रैंकिंग में भारतीय दबदबा शुरू। और एवा कौन सी रैंकिंग, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर देशों को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि उनके अमीर और ताकतवर होने का राज छुपा है शिक्षा में, यानी कि एजुकेशन में। उन्होंने अपने लोगों को ढंग से एजुकेट किया है और बहुत सारे जो अमीर देश है, खासकर की यूरोपियन देश, वहां पर तो एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री है, चाहे वो लोअर एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन ही क्यों ना हो, हर जगह पे फ्री शिक्षा दी जाती है। तो बहुत ही महंगी है, स्कूल फ्री होता है उसके बाद में। कि ऐसे देश जो अपने देश की ज्यादातर जनता को एजुकेट कर देते हैं ना, वो देश चला जाता है। मतलब उस देश की सरकार को अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए कुछ खास काम नहीं करना पड़ता। कौन सी है यूनिवर्सिटी? शिक्षित लोग हैं वो ऑटोमेटिकली अपने देश को ताकतवर बना देते हैं। और ये हमने प्राचीन काल में भी देखा है, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो हमारी जो बैकबोन थी वो हमारी शिक्षा ही थी। क्योंकि उस जमाने में जब दुनिया भर की तमाम सभ्यताएं जंगलों में रहा करती थी, उस वक्त हमारे यहाँ पर तक्षशिला जैसे शानदार विश्वविद्यालय थे और उन्हीं की बदौलत हम उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आगे थे। लेकिन जब विदेशी आक्रांता भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे इन्हीं विश्वविद्यालयों को टारगेट किया और उसकी बदौलत हमें आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और हम दुनिया में ऐसे पिछड़े कि वापस उबरने में हमें सैकड़ों साल लग गए। और अब हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और ऐसे ऊपर आ रहे हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को धूल चटाना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि टाइम की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसमें ये दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटियों को रैंकिंग देते हैं, उसमें भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और बहुत ही बुरी तरीके से पछाड़ा है। वो कैसे? दरअसल हुआ ये है कि जो एक टाइम की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, ये दुनिया में बेस्ट मानी जाती है और इस रैंकिंग में दुनिया के जो टॉप यूनिवर्सिटी होती हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। और इस साल दुनिया भर के अलग अलग देशों की टोटल 1904 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को इसमें रैंकिंग दी गई थी और इन 1904 में सबसे ऊपर रहा है अमेरिका। अमेरिका के 1904 में से 169 इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल हो गए हैं और यकीनन ये अमेरिका के लिए शानदार उपलब्धि है। वही बात करें हमारे पड़ोसी देश चीन की, तो चीन पिछले साल चौथे नंबर पर था लेकिन इस बार गिरकर वो पांचवे पर आ गया है और उसकी टोटल 86 जो यूनिवर्सिटी हैं वो इस रैंकिंग में शामिल की गई हैं। लेकिन टाइम की इस रैंकिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज है भारत, क्योंकि भारत ने इतिहास रच दिया है। कैसा इतिहास? दरअसल भारत ने चीन को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया है और भारत की टोटल 91 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल देखना पड़ेगा कौन से। और ये बहुत बड़ा जंप है। क्यों है जंप? क्योंकि लास्ट ईयर हमारे टोटल 75 इंस्टीट्यूट शामिल थे, इस बार बढ़कर वो 91 पर चले गए हैं। हमने चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसा क्या किया हमने? टोटल इकोनॉमी लगभग 19 ट्रिलियन, यानी चीन की इकोनॉमी हमसे लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ी है। इनका जो टोटल खजाना है वो भी 5 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इनके पास संसाधन हमसे कहीं ज्यादा है। उसके बावजूद भारत ने कम संसाधन होते हुए भी यूनिवर्सिटी यानी कि शिक्षा के मामले में चीन को बहुत भयंकर तरीके से पछाड़ डाला है। और टाइम्स ने बताया है कि भारतीय यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट की जो ग्रोथ है, जिस हिसाब से वो इस रैंकिंग में हर साल जुड़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही भारत सेकेंड पोजिशन के लिए कम्पीट करने लगेगा। और यकीन मानिए, ये उपलब्धि जितनी शानदार भारत के लिए है उतनी ही शर्मनाक चीन के लिए है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि चीन ने अपनी इकोनॉमी तो जरूर बढ़ा ली है लेकिन अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि यकीन मानिए, चीन के पास इतना ज्यादा पैसा होते हुए भी वो अपने लोगों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा और इसका सबसे बड़ा कारण है चीन की पॉलिसीज। क्योंकि चीनी सरकार अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजदूर बनाना चाहती है, वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन के लिए ना जाएं, क्योंकि जो डिग्री धारक होता है वो फैक्ट्री के अंदर पेश थोड़े ही कसेगा।
वो तो अच्छी से अच्छी नौकरी के लिए जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो मजदूरों की संख्या है वो घटेगी, जिससे कि वेज की डिमांड बढ़ेगी। और आप जानते ही हैं कि दुनिया भर की कंपनियां चीन में फैक्ट्री लगाती ही इसलिए है क्योंकि वहां पर चीप लेबर है, यानी कि सस्ती मजदूरी। अगर वो ना रही तो विदेशी कंपनियां भागना शुरू कर देंगी। वहीं भारत का मॉडल बिल्कुल अलग है। भारत सभी को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि भविष्य में हालांकि ऐसा नहीं है कि इस रैंकिंग में हमारी ज्यादा यूनिवर्सिटी आ गई तो हमें इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि अभी हमारी क्वांटिटी बढ़ी है, हमारी यूनिवर्सिटियों की क्वालिटी बढ़ना अभी बाकी है। टॉप 100 में अभी भी एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। हमें कम से कम ये एम करना चाहिए कि 2030 से पहले पहले 10 भारतीय यूनिवर्सिटियां टॉप 100 की रैंकिंग में जरूर आए। हालांकि इस पूरे आईआईटी को तो आना चाहिए, क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यार ये बड़ी हैरानी की बात है कि टॉप 100 में हमारी कोई भी नहीं, आईआईटी क्यों नहीं है, मुझे वो समझ नहीं आता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आगे, ये भी होता है कि आप कितना इनोवेट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं। पास आउट इज़ गुड कि पास आउट होके जा रहे हैं, मगर आगे क्या करते हैं बहुत कुछ इन्वॉल्व है। और कितने फीचर्स हैं आपके, कितने आप चेंजेस कर सकते हैं, आप सिर्फ क्या टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं कि और भी चीज़ें। इसीलिए मोदी जी करिकुलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जिसमें हर कोई आईआईटी में जा सके। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ साइंस वाले जा रहे हैं, हिस्ट्री का बंदा क्यों नहीं जा सकता आईआईटी। तो यही कॉन्सेप्ट हो चाहे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप किसी भी फील्ड में टॉप कर सकते हैं। अगर आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट भी टॉप कर सकता है, कोई बजाने वाला है म्यूज़िक वो म्यूजिशियन भी टॉप कर सकता है। तो इसीलिए काफ़ी करिकुलम में चेंजेस आ रहे हैं कि आपको जो चीज़ पसंद है उसी में आप अपनी ग्रेटनेस दिखाइए, उसी में पीएचडी करिए, उसी में ग्रेट आप अवार्ड्स जीतिए अपने फील्ड में, सिर्फ एक साइंस ही नहीं है। तो उसी लिए आगे उससे कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। मान लीजिए कोई लिटरेचर में जाता है तो वो बहुत बढ़िया किताबें लिख सकता है, बहुत ही ग्रेट लिख सकता है। और अभी भी अगर आप साइंस में जाते हैं और अपनी बुक्स पढ़ते हैं तो सारी बुक्स मोस्टली वेस्टर्न ऑथर्स की होती हैं। मुझे इंडिया का पता नहीं, एटलीस्ट जब मैं इंडिया में था तब वेस्टर्न ऑथर्स की थी। तो यूजुअली जब ये चेंज होता नज़र आएगा कि आप कहीं पर भी जाते हैं और टॉप मेडिकल आप कर रहे हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो बुक जो प्रिस्क्राइब की है वो इंडियन ऑथर की। अभी ऐसा नहीं हुआ, सारी वेस्टर्न वेस्ट। क्योंकि जो बंदा इन्वेंशंस कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है आपसे। अगर आप लिखेंगे कुछ तो लोग बोलेंगे तो ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, क्वेश्चन ये है कि आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको इन्वेंशंस करने हैं, नई चीज़ें सीखनी है, फिर एक किताब लिखनी है उन इन्वेंशंस पे, इसलिए फिर लोग अडॉप्ट करते हैं, अच्छा इसमें तो नई बातें हैं। तो मगर वो धीरे धीरे होता है, अब फोकस आ रहा है पढ़ाई पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो हो जाएगा। हर कंट्री अपने हिसाब से चलती है। यस, आप कह सकते हैं कि इंडिया में आईआईटी इज़ ग्रेट, मगर जब बाहर निकलते हैं तो आपको रैंकिंग में नज़र आता है कि टॉप 100 में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा क्राइटेरिया इन्वॉल्व है, नॉट जस्ट वन थिंग। और उसके बाद क्या आईआईटीयंस अचीव करते हैं लाइफ में? ठीक है, आप कह सकते हैं 1% बड़े ज़बरदस्त अचीव करते हैं, वॉट अबाउट द अदर 90%? तो वो सभी देखा जाता है। हाँ, कई बड़ा शॉकिंग लगता है कि आईआईटी से पढ़े हुए जो यहाँ यूएसए में है वो उस लेवल के जॉब्स कर रहे हैं जो दूसरे यहाँ के छोटी यूनिवर्सिटीज में जो करके बैठे हुए हैं, सेम पोजीशन सेम। क्योंकि जो इतना नाम जो आता है वो ऊपर के टॉप जो होते हैं 1-2% का ही नाम आता है, और सब जितने भी 90% लोग हैं उनका वो कहाँ गए? क्वेश्चन तो यही है। बिल्कुल, पर ये अच्छा है कि चाइना को पीछे करके अब हम आ गए हैं पोजीशन में, और अब हमें और बेटर होके नंबर 2 पोजीशन में आना है। चेंजेस आ रहे हैं, आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको दिखेगा। बच्चे हमारे बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बस फैसिलिटीज चाहिए, अगर फैसिलिटीज अच्छी मिल जाए तो वो कमाल कर देंगे। तो चलो यार, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।